तो बेसिकली हम बॉन्ड एंगल का देख रहे थे। हमने बोला बॉन्ड एंगल, जब हम बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे थे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी, वो तीनों एक जैसे हमने बोला था, राइट। पर बॉन्ड एंगल डिफरेंट है। जब बॉन्ड एंगल कंपेयर करने की बात आएगी डिफरेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स का, तो समझने के लिए मैंने बोला कुछ शॉर्टकट आपको बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा। तो टेक्निक समझने के लिए भी कुछ बात बताना चाहिए। उसमें एक था हाइब्रिडाइजेशन, जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था। क्या मैं आपको दिख रहा हूं? श्री सांदीपनी एकेडमी का जो आईडी है ना, उसको आप क्लिक करके बाजू में रख के मैं आपको दिखाई दूंगा, राइट। यू कैन सी मी, माय एक्सप्रेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स। आपको लाइव पीछे चाहिए था तो मैं आ गया लाइव, और स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे तो आपको मेरा शेयर स्क्रीन बोर्ड दिखाई देगा। सो बॉन्ड एंगल के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन देख लिया था, याद होगा आपको। एक बार तीन चार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जानने के लिए, याद है कि नहीं? बताओ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4? CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दिस इज CH4, CH4 इज लाइक दिस। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4 मॉलिक्यूल? SP3। वेरी गुड, SP3। क्या देखना है हमको हाइब्रिडाइजेशन के लिए? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड उसने बना लिया। देर आर फोर सिग्मा बॉन्ड्स हियर एंड देर आर नो लोन पेयर्स, जीरो लोन पेयर्स। टोटल काउंट इज फोर। इफ इट इज फोर, मैंने क्या बोला? SP3 लिखा था आपने। कितना काउंट आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यस, हैव यू रिटन डाउन लास्ट टाइम सिग्मा प्लस लोन पेयर? इफ द काउंट इज टू द हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP। द काउंट इज थ्री हाइब्रिडाइजेशन इज SP2। फोर मतलब SP3, फाइव मतलब SP3D एंड सिक्स मीन्स SP3D2। पेयर सेवन दैट मीन्स SP3D3। बस आपको सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर है और कितने सिग्मा बॉन्ड है गिनना है, बस। तो आप हाइब्रिडाइजेशन आराम से बोल सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट द टेक्निक फॉर बॉन्ड एंगल। कैसे हम कंपेयर करेंगे? फर्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टेप वन। जब भी आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा, सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप वन, चेक देयर हाइब्रिडाइजेशन, चेक द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। चेक द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। इन ईच एंड मान लीजिए किसी का हाइब्रिडाइजेशन SP आता है, किसी का SP2 आता है, किसी का SP3 आता है। तो जिस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन SP होगा, उसका हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होगा, उसके बाद SP2, फिर SP3। ये सीक्वेंस है। SP विल हैव द हाईएस्ट, देन SP2, देन SP3। नोटेड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, अगर मान लीजिए दो कंपाउंड्स के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, अगर दो मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाता है, तो उस केस में हम पॉइंट टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर पॉइंट वन में आंसर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर पॉइंट वन से हमारा आंसर नहीं आता है, क्लैश हो जाता है ना,
टाइप हो जाता है कि भाई दो लोगों का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, तीन लोगों का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, उस वक्त हम स्टेप टू इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर टू, क्राइटेरिया टू इज लेसर द लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, मोर इज द बॉन्ड एंगल। जितना सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर्स कम होंगे उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा हो। एट द एंड ऑफ दिस फोर पॉइंट्स आई विल टेक सम एग्जांपल्स आल्सो टू अंडरस्टैंड बेटर। फर्स्ट आप बस पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, क्या फिर मुझे एग्जांपल्स में लूंगा तो और समझ में आएगा अच्छी तरह से। जितने सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कम होंगे उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा, मोर इज द बॉन्ड। अगर मान लीजिए सेकेंड क्राइटेरिया के आधार पे भी आपका निष्कर्ष निकलता नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गए दो मॉलिक्यूल्स का और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम भी सेम हो गए, सेकेंड भी सेम हो गया, फिर आप थर्ड पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट नंबर थ्री। इन केस अगर क्लैश हो जाता है सेकेंड पॉइंट के अंदर भी तो थर्ड पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, स्टेप थ्री। मोर इज द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, मोर इज द बॉन्ड एंगल। फिर आप सेंट्रल एटम कंपेयर करिए, जिस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। इनकेस ऐसा होगा नहीं, इनकेस ऐसा हो गया कि सेंट्रल एटम भी सेम है दोनों मॉलिक्यूल का, तो फिर भाई आखिरी स्टेप इस्तेमाल करें। और चार स्टेप जो मैं आपको दे रहा हूं ना, कोई मॉलिक्यूल दिया रहेगा एग्जाम में, एनी एग्जामिनेशन, सीईटी से लेके आईआईटी जेई तक जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, कहीं भी आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के क्वेश्चन आते हैं, विदाउट एक्सेप्शन एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। ये चार स्टेप में हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फोर्थ स्टेप इज लेसर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, मोर इज द दिस इज द फोर्थ स्टेप टेक्निक for comparing bond angles। पहले आप स्टेप वन यूज करेंगे, यू चेक द हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्टेप वन फेल हो गया फॉर सम मॉलिक्यूल्स, इनका टाइप हो जाता है सेम सेम हो गया हाइब्रिडाइजेशन, तब उन मॉलिक्यूल्स के स्टेप टू यूज करेंगे। अगर स्टेप टू सेम हो गया, टाइप हो गया स्टेप टू के अंदर, तो स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में टाइप हो गया स्टेप फोर, अदरवाइज ये स्टेप्स यूज नहीं करने के। अगर जिनका टाइप होता है उनके लिए नेक्स्ट यूज करें। नेक्स्ट लेट अस गिव यू एग्जांपल्स। सबसे पहले आपको दिया है NH3 NPH3, बोला कि इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। लेट्स ड्रॉ स्ट्रक्चर फर्स्ट। बताओ पहले हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट स्टेप क्या है हाइब्रिडाइजेशन, स्टेप वन इज हाइब्रिडाइजेशन, चेक द हाइब्रिडाइजेशन बोलो देम, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3।
बोलो, चुप मत बैठो। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एस3? अथर्व, नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर है? हाँ, हाउ मेनी लोन पेयर नाइट्रोजन? यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्पीक, या फिर आपने कुछ नियम बनाया है? मौन व्रत धारण किया आज? आप जानते हैं अगर इंटरेक्शन नहीं रहा तो मैं क्लास नहीं लेता हूं। जैसे आप जीती हो मैं वैसे जीती हूँ। मुझे इंटरेक्ट करना ही पसंद। वन वे कम्युनिकेशन आई डोंट लाइक। हाँ सोहेल, सोहेल जी बोलिए। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एमोनिया? अच्छा, आप सबको म्यूट कर रखा है क्या? आपको म्यूट कैसे कर दिया किसी ने? क्या सेटिंग है? बताइए, मैंने जो पूछा, एमोनिया और PH3, इनका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। हाइब्रिडाइजेशन क्या और SP4, है? SP3। SP3, SP3, हाँ SP3, 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 हाँ, ये भी SP3 है थ्री, ना? बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, राइट? यस दोनों सर, का हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है, दोनों यस sp3 sp3। 0.1 क्या बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करो आप, और अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा तो हाईएस्ट होगा, फिर sp2, फिर sp3। पर हुआ क्या, दोनों टाइप हो गए, दोनों का सर, टाइप हो गया है, तो हम कहाँ जाएंगे? पॉइंट नंबर 2 में। टू पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? लोन एक पेयर, सेंट्रल एटम, इस कम सेंट्रल एटम पे कम लोन पेयर लोन होगा, पेयर होंगे ज्यादा होगा। उसका। हाँ सर, हाउ मनी लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन? वन। वन वन ऑन फॉस्फोरस? वन, वन। गायब यस हो गए वापस। क्या यस सर, करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव थर्ड पॉइंट, पॉइंट, पॉइंट नंबर थ्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जाएंगे। यस पॉइंट थ्री सर, क्या बोलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर, सेंट्रल एटम। यस यस सर। सर, जिसका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। यस सर, मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर? सर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हैंस नाइट्रोजन, अमोनिया हैंस हायर बॉन्ड एंगल देन पीएस फॉस्फाइन। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर, दूसरा एग्जांपल है, SO2 और SO3, इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है हमें देखना है। टू एस मोर बॉन्ड एंगल। नाउ SO2 और SO3 का स्ट्रक्चर बना देते हैं। SO2, SO3। आप मुझे बताइए इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? SO2 सर, पहले पॉइंट से दोनों का सेम होगा, पहला पॉइंट उनका सेम है। व्हाट इज द यस हाइब्रिडाइजेशन? sp2, sp2। SP2, यहाँ पे दो सिग्मा एक लोन पेयर है। SO2 में दो सिग्मा है और एक लोन पेयर है।
एसओ थ्री में तीनों सिग्मा है, तीन सिग्मा है ना, एसओ थ्री में तीन, तो दोनों में तीन तीन ही है, तीन मतलब एसपी टू, किसी को दिक्कत हाइब्रिडाइजेशन में? नो सर। सेकेंड पॉइंट क्या, चेक द नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम, लेस नंबर ऑफ लोन पेयर मोर इज द बॉन्ड एंगल, यहाँ पे कितने लोन पेयर है? एक, एक ही लोन पेयर है, यहाँ कितने हैं? एक भी नहीं, जीरो, जीरो, तो किसमें कम लोन पेयर है? sp2 मतलब so, 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 bond angle ज्यादा होगा, lesser the number of lone pairs central atom, more is the bond angle, getting my point? yes sir, yes sir, बताओ आप बताइए इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, मोर बॉन्ड एंगल किसका है? टू हैज हायर बॉन्ड सर, शायद BCl2। What is the hybridization of BF3? सर sp sp2। BCl2 में BA क्या है? sp। यहाँ तीन सिग्मा है, तीन सिग्मा उसी लिए sp2। यहाँ दो सिग्मा sp। And first step से हो जाएगा solve। Yes, sp sir. is greater than sp2। सर। हाँ जी। सर इसमें हम एंगल कहाँ पे देख रहे हैं, मतलब? ये एंगल है, दिस इज एंगल। अच्छा, द एंगल इज एंगल, बॉन्ड एंगल इज एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स, ये दो बॉन्ड के बीच, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये 180 होगा? यस सर। एंड ये बॉन्ड एंगल, दिस इज 120। सर BCl2 में लोन पेयर कितने? एक भी नहीं, लोन पेयर एक भी नहीं ना, बिकॉज बेरिलियम कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, सेकंड, बेरिलियम बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन देंगे, यस सर, दो इलेक्ट्रॉन, एक दो इलेक्ट्रॉन, दोनों ने बॉन्ड बना लिया है, लोन पेयर कहां से आएंगे, है ना? ठीक है सर, चिंता मत करो, स्ट्रक्चर कैसे बनाने का ये हम पढ़ाऊंगा अभी, आज सर ने आपको सेंड किया है ना वो टॉपिक्स, इस वीक के टॉपिक्स क्या है? यस सर, ये वाला चैप्टर इससे पहले वाला सर, केमिकल बॉन्डिंग और ये वाला पीरियोडिक टेबल। I'm not saying the exam topics. I'm telling class में पढ़ाने का टॉपिक सब कुछ सेंड किया रहेगा ना? अच्छा, हाँ सर। टॉपिक क्या है? बॉन्ड एंगल ही चल रहा है ना सर? मैं, अरे मेरे बच्चे, ठीक है ना, तो कुछ सेंड नहीं किया सर, आज के लिए तो कोवेलेंट बॉन्ड लिखा था, कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट टाइम टेबल में क्या? हाँ, गलती से हो गया होगा, मैंने सर आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हो गया ना हमारा? हाँ सर, यस सर, सब मिस्टेक आई थिंक, सर हम टाइम से आगे क्या लिखा, कल के लिए क्या लिखा है? बॉन्ड पैरामीटर, ये तो पिछले बार का है, वो लास्ट वीक का है ना? वो नहीं सर, इसी वीक का है टाइम टेबल, तो गलती से उसमें आ गया रहेगा, वो तो हमने लास्ट वीक किया था ना? हाँ, कोई बात नहीं, बड़े बड़े जगह पे छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, होती रहती है। तो आप बताइए, आपको लेट अस टेक मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, दो नहीं लेंगे, चार लेंगे, पांच लेंगे, है ना? यस, मजा आएगा, लेट्स टेक मोर, let's say we have H2O, CO3,
चलिए पांच लेते हैं। पहले हम पांचों का स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके लिए, देख लीजिए, क्योंकि फिलहाल आपको सही स्ट्रक्चर बनाते नहीं आता रहेगा, आता है तो अच्छा है। कितने लोग आता है हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स? सर बनाने नहीं आता, नहीं आता सर। बना बनाया कॉपी करना आता है क्या? यस सर, बहुत अच्छे से, वो तो अच्छी तरह से आता है। अच्छा ठीक, तो मैं सिखाता हूँ आपको, ये बॉन्ड एंगल हो गया ना, मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर, फिर आगे बढ़ूंगा। चलेगा सर। तो ये फिलहाल मैं बना देता हूँ ताकि आपका बॉन्ड एंगल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे पढ़ा बताइए, अभी इन पांचों का फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? स्टेप वन क्या है? चेक द हाइब्रिडाइजेशन। यस सर। टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2O? sp3 sp3 दो सिग्मा और दो लोन पेयर, चार हो गए। यस सर। NCl3 का sp3 NH3 का sp3 SO2 का sp2 sp2 AS3 का sp3 तो SO2 का सबसे बड़ा एंगल है। Highest कौन होगा? sp2 वाला होगा। यस सर। उसीलिए एक बात तो स्टेप तय हो गया कि SO2 हाईएस्ट होगा, है ना? इसको मिला फर्स्ट रैंक, हाईएस्ट, ठीक है सर। पर क्या हुआ, बाकी चार है उनमें क्या हो गया? सेम है, टाई अप हो गया। अब टाई हो गया तो हम पॉइंट नंबर 2 करते हैं, सेकंड कंपटीशन लगाते हैं। फर्स्ट कंपटीशन में चारों का सेम हो गया, सेम रैंक आ गया, हम सेकंड कंपटीशन लगाते हैं इन चारों के लिए। इसको नहीं करेंगे क्योंकि जीत चुका ऑलरेडी, फर्स्ट आ गया। अब इन चारों के लिए कंपटीशन, अगला कंपटीशन में क्या देखना है? लोन पेयर्स। सेकंड कंपटीशन में हमको देखना है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। यस सर। अगर हम लोन पेयर्स देखते हैं, कितना लोन पेयर यहाँ पे ऑक्शन के ऊपर? दो। टू। यहाँ पे वन। 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 जीरो। जीत चुका ऑलरेडी, इसको नहीं करेंगे। कॉम्पिटिशन से बाहर है ना। बताओ ये देख, सेकंड स्टेप में क्या समझ में आ रहा है? H2O का सबसे कम होगा, लास्ट है, सबसे लास्ट रह जाएगा। यस सर। H2O इज द लास्ट। ये तीनों जो है H2O से ज्यादा होगा, इन तीनों का लेस मोर बॉन्ड एंगल, मतलब H2O मोर लोन पेयर लेस बॉन्ड एंगल, ये लास्ट हो गया। यस सर। रैंक क्या आएगा? फिफ्थ। यस सर। पांच लोग है ना, ये गया काम से, कंपटीशन से बाहर हो गया। अब कितने लोग बचे हैं? तीन। अब तीन लोग बचे हैं, इतना टाई हो गया, कंपटीशन में लगाते हैं। थर्ड कंपटीशन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम मोर इज द बॉन्ड एंगल। N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, N है यहां, सेंट्रल एटम के N है यहां, सेंट्रल एटम के है। यस। अब अर्सेनिक और नाइट्रोजन सेम ग्रुप के है ना, नाना पाटेकर ऐश्वर्या। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीजेस। उसका मतलब नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस सर। तो बताओ इस तीसरे पॉइंट से क्या समझता है? आर्सेनिक फोर्थ। आर्सेनिक फोर्थ रैंक हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। यस सर। फोर्थ रैंक हो गया। ये दोनों का अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा रहेंगे एज कम टू आर्सेनिक। पर अभी तो टाइप हो गया, वापस टाइप हो गया ना। यस सर। टाइप हो गया तो इधर नीचे नेक्स्ट कंपटीशन फोर्थ में। फोर्थ में क्या देखना है? सराउंडिंग एटम देखना है। क्या देखना है? सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हां तो NH3 का ज्यादा। सो सराउंडिंग एटम यहां पे क्या है? Cl है। यहां पे क्या है? तो हमने क्या बोला? लेसर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, मोर इज द बॉन्ड एंगल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किस है? कैसे मतलब ग्रुप देखना? नहीं नहीं, ग्रुप कहाँ से आ गए आप? ऐसे भी सब पूरे पूरे टेबल के अंदर हाईएस्ट कौन है? फ्लोरीन है। उसके बाद क्लोरीन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद ये फर्स्ट फोर लोग हैं।
क्लोरीन का फोर्थ रैंक में, ठीक है जी। क्या मैंने कैसे किया समझ में आपको? सीक्वेंस क्या होगा? हाईएस्ट SO2, फिर NH3, फिर NCl3, फिर ASH3, फिर H2, डिक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एक क्वेश्चन दूं आपको? यस सर। नोट किया इसको आपने? यस सर। आप करिए। बोलिए फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करो सर। स्ट्रक्चर आप बनाने वाले हो या हमें बनाने को बोलो? आश तभी ECl2 का फर्स्ट होगी रैंक। पूरा करो ना कंप्लीट। Somebody is barking. Who is that? Rabbit हो गया क्या? डन की नहीं? सर डन। डन बताइए। हाइब्रिडाइजेशन बताइए पहले मुझे। सर sp3 sp2 sp2 sp। बताओ हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे BeCl2 फर्स्ट। BeCl2 हो गया फर्स्ट, ये तय हो गया, ठीक है। अब ये बात भी पक्का है कि सेकंड और थर्ड इन दोनों में से होंगे? यस सर। यस सर। है ना? इनमें से कोई तो भी सेकंड है, कोई तो भी थर्ड है, थर्ड। तो हमको पहले तय करना पड़ेगा सेकंड थर्ड कौन है, फिर आगे बढ़े, है ना? यस सर। इतना फिर सेकंड थर्ड है तो तय कर लेते। इन दोनों टाइप हो गए। अब इनके लिए सेकंड पॉइंट अप्लाई करते हैं। इन दोनों के लोन पे नंबर ऑफ लोन पे सेम सेम हो गए दोनों। यस सर। टाई अप हो रहा है तो पॉइंट 2 भी टाई अप हो गया। पॉइंट 3 में जाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज हायर देन बोरॉन। बोरॉन है ना, 16 ध्रुव एलिमेंट है ये, तो सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बोरॉन से। जो भी आपको न हो बस ध्यान देना, तो याद रखना। किसी ने दिया होगा बॉन्ड एंगल SO3 का, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड। चलो सेकंड और थर्ड तो फाइनल हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये तीनों का सेम हो गया है, मतलब इसमें ही कोई होगा फोर्थ फिफ्थ और लेट्स सी हु सिक्स्थ PH3।
अब पॉइंट वन सब में सेम है तो पॉइंट टू चेक करेंगे. पॉइंट टू क्या है, नंबर ऑफ लोन पे. यहाँ पे एक लोन पे है, यहाँ पे एक लोन पे है, दो लोन पे है, तो क्या समझ में आ रहा है आपको. H2O लास्ट है, H2O लास्ट सिक्स हो जाएगा. अब बचे दो, ये दो बच गए, इनमें से कोई फिफ्थ, कोई फोर्थ और फिफ्थ है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम दोनों सेम हो गए, पॉइंट नंबर थ्री सेम हो गए, तो सेम सेंट्रल एटम है. पॉइंट फोर में जाएंगे, पॉइंट फोर क्या है, सराउंडिंग एटम. हाँ डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ सीएल यहाँ पे एच है. सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, उसको बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा. हाइड्रोजन तो फर्स्ट होगा, पीएच 3 का फोर्थ होगा. सॉरी फर्स्ट मतलब यहाँ फोर्थ होगा, और ये हो जाएगा फिफ्थ. सो द सीक्वेंस विल बी लाइक दिस, BCl2 SO3. है ना? Yes, sir. इस बॉन्ड एंगल का. इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में आएगा वो आप सब कर सकते हैं, ठीक है? ये फोर स्टेप ध्यान रखना. क्लियर? शुड आई मूव अहेड? Yes, sir. Yes, sir. Before starting with the next topic, it is called as geometry and shapes. ये टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सिखाता हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं. Because वो जाने बिना ये सब कुछ जान के भी कोई फायदा नहीं है. ये सब समझ में आ जाए कंसेप्ट, है ना? स्ट्रक्चर ही बनाते नहीं आ रहा है, तो सब कुछ समझने के बाद अप्लाई नहीं करते आएगा, तो वो जानना जरूरी है. Let us go to the foundation, 8th standard. How to draw structures. Put a heading. How to डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स हम कैसे बना सकते हैं. स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले बनाने से पहले कुछ नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक, ठीक है? जैसे सबसे पहले आप जानते हैं हर एक स्ट्रक्चर में एक होता है सेंट्रल एटम और एक होता है सराउंडिंग एटम. जैसे हम यूज कर रहे थे सेंटर में जिसको बीच में जुड़ा हो, बीच वाला एटम जो है, जिसको बाकी सारे एटम जुड़े हुए हैं वो सेंट्रल एटम, और जो सेंट्रल एटम को जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं सराउंडिंग एटम. देयर आर सराउंडिंग एटम्स. तो पहले स्टेप मुझे ये पहचानना पड़ेगा मॉलिक्यूल को देख के, इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम कौन है, किसको मैं फर्स्ट बनाऊं ड्रॉ करूं, जिसके चारों ओर बाकी सबको ड्रॉ करना है. आई नीड टू आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स. स्टेप वन इज आइडेंटिफाई. Identify a central atom. Now, how to identify central atom? What is the criteria based on which we can judge that this atom of this molecule is a central atom? Valency. Shivam want to say something. Sir, valency pe kar sakte hain. Sir, valency kar sakte hain na? कैसे? सर जिसकी ज्यादा वैलेंस होगी वो ज्यादा बॉन्ड्स बना पाएगा और उसके आसपास उतने बॉन्ड्स होंगे. एक बात बताओ, SO2 मॉलिक्यूल में सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का वैलेंसी सेम है डिफरेंट है? सर वैलेंसी एज इन सेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. अच्छा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सल्फर? टू. दोनों का सेम है. हे कम ऑन, हाउ कैन इट बी टू बिलोंग्स टू 16th ग्रुप?
आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से कैसे पहचानेंगे बताओ? ग्रुप नंबर से, नंबर से, ये सर ये आपने बताया था, याद होगा ना? हाँ सर। 16 ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब 16 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सिक्स होंगे, 17 से सभी के लिए 7 होगा, 13 में 3 होगा, है ना? Yes, so oxygen sulfur both belong to same group. So both of them will have equal number of valence electrons. Yes sir. The outermost shell. Then how to judge? Type हो गया ना? Sir capacity. Sir मैं बताऊँ? हाँ अतरव जी बोलिए। Sir का foundation हुआ है ना? सर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी से जिसका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा होगा वो सेंट्रल एटम होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही, क्या बात है, ठीक बात बता सर। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा है? हाइड्रोजन। तो क्या हाइड्रोजन सेंट्रल एटम है? नहीं ना। देखो यार बोलिया बोलले मैं और कुछ भी बोलना है स्ट्रक्चर मध्ये जे सेंटर आइटम असतो ते सेंटर मध्ये कसा येतो म्हणजे जसे H2O आहे त्याचा सेंटर आइटम H आहे तर जो H का ओपन अप सुशील नाम समजा किस तरह हो तो पूछ रहा है किसी और से डिस्कस कर रहे होंगे ना आपस में दैट्स गुड थिंग इट इज पढ़ाई के बारे में इंस्ट्रक्शन कोई दिक्कत ही नहीं है कुछ और नहीं करना चाहिए ठीक है तीन कंडीशन है ठीक है ना जो अतर बोल रहे तो भी सही है एक्चुअली इज वन ऑफ द कंडीशन द थ्री क्राइटेरिया टू डिसाइड अ सेंट्रल एटम थ्री क्राइटेरिया टू डिसाइड सेंट्रल एटम तीन में से कोई भी कम से कम दो वो फुलफिल करेगा तो भी सेंट्रल एटम बन सकता है तीन कंपटीशन लगाएंगे तीन कंपटीशन तीन मैचेस होंगे तीन में से कोई दो कंपटीशन जीत गया तो उसे सेंट्रल एटम का अवार्ड मिल जाएगा पहला है लेस इन नंबर कंपटीशन जितने भी उसमें एटम्स रहेंगे सबसे कम एटम होना चाहिए लेस इन नंबर कम संख्या में होना चाहिए दूसरा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कॉम्पिटिशन बोल रहा था वो अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए तीसरा है लार्ज साइज बड़ा साइज वाला कॉम्पिटिशन इसका बड़ा साइज है सेंट्रल एटम सबसे कम संख्या में है सेंट्रल एटम बन सकता है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है सेंट्रल एटम बन सकता है लार्ज साइज है सेंट्रल एटम बन सकता है अब अतरव ने जो क्वेश्चन अतरव ने मुझे बोला सर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैंने उसको फेल कर दिया मैंने क्या बोला यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन पर सेंट्रल एटम तो ऑक्सीजन है ऐसे हम बनाते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट देगा हमने है ना बाकी दो कॉम्पिटिशन लगाया नहीं बाकी दो कॉम्पिटिशन किया लेस इन नंबर कौन है ऑक्सीजन है ना एंड साइज में बड़ा कौन है ऑक्सीजन तो अमॉन्ग थ्री कॉम्पिटिशन हाइड्रोजन एक ही जीतता है ऑक्सीजन दो जीता विनर कौन हुआ ऑक्सीजन इसीलिए ऑक्सीजन बनेगा सेंट्रल ऑक्सीजन सर हाँ जी सर फिर जो हमारी ये चेन्स होती है ना जैसे ब्यूटेन इन सब में सी भी ज्यादा क्वांटिटी में होता है और ओ भी फिर उसमें किसे सेंट्रल लेंगे उत्तर शिवम पुत्र सर कहाँ चले गए आप इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में चले गए है ना सर लेकिन उधर भी तो अरे पुत्र ये तुम्हारा चेन होता है ना फॉर एग्जांपल CH3 CH3 यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल्स है अगर आपको इसका बनाना है मॉलिक्यूल क्या है दो दो है डिफरेंट डिफरेंट डबल सेंट्रल एटम्स है ये जो कार्बन है इसका ऐसा होगा देखो ध्यान से आप
आपने पूछा, अगर मैंने बताया नहीं तो फिर आपको लगेगा मुझे कुछ आता नहीं है। अरे सर ऐसा नहीं हो। मैं बता देता हूँ देख लीजिए, पर इसका यहाँ पे रिलेवेंस नहीं है। ये हुआ है इस कार्बन का, वैसा ही इस कार्बन का भी होगा सेम, ठीक है ना? Yes, अब विद रेस्पेक्ट टू दिस कार्बन ये सेंट्रल एटम, विद रेस्पेक्ट टू दिस कार्बन ये सेंट्रल एटम हो जाएगा। अब पूरा बनाओ इसको तो ऐसा रहेगा वो। हर एक कार्बन वो पूरा चेन में हर एक कार्बन सेंट्रल एटम, अच्छा उसके रेस्पेक्टिव, ठीक है ना? तो चेन यहाँ हम उन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जहां पे सिर्फ एक ही सेंट्रल एटम पॉसिबल है, जहां पे सिर्फ एक ही सेंट्रल एटम पॉसिबल है, ठीक है सर, जिसके चारों ओर सारे सराउंडिंग एटम्स, ठीक है? यस सर। उदाहरण के लिए अभी चलो उदाहरण नहीं लेंगे, एक उदाहरण लेते हैं। आप मुझे बताइए पहले पहचान किए कि जो मॉलिक्यूल मैं आपको दूंगा आपको उस पहचानना है सेंट्रल एटम कौन, सेंट्रल एटम कौन कौन, ये अपना कंपटीशन का नाम है, सेंट्रल एटम कौन, कौन? सेंट्रल एटम कौन? अच्छा कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला इस कंपटीशन में? रेजर हैंड, मुझे क्वेश्चन पूछूंगा, रेजर हैंड, किससे मैं क्वेश्चन पूछू उनसे ही पूछूंगा भाई, बाकी लोग बहुत शर्माते हैं। हमारे साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स चार लोग हैं और ताजुब की बात यह है सबके सब बॉयज है, जबकि मैंने सुना है कि आधुनिक 21st सेंचुरी में गर्ल्स बहुत आगे निकल चुके हैं। ये बात गलत है, ये बात आज गलत साबित हो गया है। नहीं, आज के 21st सेंचुरी में भी बॉयज ही आगे, गर्ल्स पीछे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। जो हाथ ऊपर उठे हैं वो ये सिद्ध करता है, ठीक है? ओके, समीर, सूरज, शिवम, अथर्व, यस। सबसे पहले क्वेश्चन है समीर के लिए। yes, समीर तुम मुझे बताओ H2SO4 में सेंट्रल एटम कौन बनेगा और क्यों? तीन कॉम्पिटिशन हमारे पास, चलिए काम करते कॉम्पिटिशन, थ्री कॉम्पिटिशन पे है, वन तीन मैच, वन टू थ्री। फर्स्ट मैच किया लेस इन नंबर, लेस इन नंबर कौन है फर्स्ट कॉम्पिटिशन, हु विल विन? एस सल्फर। अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपके एक और बात सुनता हूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन लिखेंगे उधर, नंबर लिखिए, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कैन नेवर बिकम सेंट्रल एटम, ठीक है ना? हाइड्रोजन और फ्लोरीन है कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते क्योंकि वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाने वाले सेंट्रल एटम, बिकॉज सेंट्रल एटम को बहुत सारे बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना सबके साथ, और इनके पास सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाने की क्षमता है, उसलिए वो कहीं पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ऑलरेडी कॉम्पिटिशन से बाहर कौन हो गए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो ही लोग कॉम्पिटिशन में एक्चुअली बात, सल्फर और ऑक्सीजन, तो फर्स्ट कॉम्बो सल्फर जीत गया। सेकंड कंपटीशन क्या है समीर? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, हु विल विन? सल्फर, सल्फर। थर्ड कंपटीशन क्या है? लार्ज इन साइज, हु विल, हु विन? ऑक्सीजन। हे समीरा, ओ पुत्र समीर, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है घटता है? बढ़ता है, बढ़ता है। तो ऑक्सीजन फैमिली में कौन है? ओल्ड स्टाइल से टेपोगे तो फिटोगे, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज है तो कौन बढ़ा होगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर, सल्फर। तीनों कंपटीशन कौन जीत गया? सल्फर जीत गया। बताओ हु इज द विनर, कौन बनेगा सेंट्रल एटम? सल्फर, सल्फर। H2SO4 में सल्फर बनेगा सेंट्रल एटम। का इतराज है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई शंका है क्या बेचारा? नहीं सर, का इतराज नहीं है। नेक्स्ट सूरज,
यस सर ये है कार्बोनिक एसिड. बोलो कितने पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर सेंट्रल एटम के लिए? थ्री. दो ही पार्टिसिपेंट. हाइड्रोजन तो करता ही नहीं है ना पार्टिसिपेट. हाँ हाँ. कार्बन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये तो कौन जीतेगा? फर्स्ट मैच किसके ऊपर लेंगे हम? कोई सीक्वेंस लर्न करने जरूरत नहीं है आपको. कुछ भी कोई भी सीक्वेंस तीनों देखना है बस. सीक्वेंस डजंट मैटर. फर्स्ट चेक करने का आप लेसन नंबर. लेसन नंबर कौन है? कार्बन. कार्बन. सेकंड क्या कंपटीशन आपका? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव. कौन है? कार्बन. थर्ड क्या है? लार्ज इन साइज. कौन है? कार्बन. Because you see carbon 14th group, 15th is nitrogen, 16th is oxygen. Along the period, atomic size decreases. Along the period, atomic size decreases. मतलब carbon बड़ा होगा. Options. कौन बने central atom? Carbon. Carbon. Carbon is a central atom. मैंने इसको CO3. हाँ शिवम. Yes sir. बताओ सबसे बड़ा कौन सर? पी होगा ना. मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन? पी. लेस इन नंबर कौन? पी. सेंट्रल एटम कौन? पी. अथर्व. यस सर. लेस इन नंबर कौन? ऑक्सीजन. मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन? क्लोरीन. लार्ज इन साइज कौन? ऑक्सीजन. हाँ क्लोरीन. क्लोरीन. बताओ सेंट्रल एटम कौन? क्लोरीन. नहीं अथर्व नहीं. इस केस में ये रूल फॉलो नहीं होगा सर. मेरे लिए एक्सेप्शन लाए आप सर. अब फिर क्या करूं? अब देखो बाकी तीनों का नाम में एस 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 था. ठीक है सबका नाम स्टार्ट होता है एस से. तुम अकेले एक्सेप्शन थे ए से. तो क्वेश्चन तुमको एक्सेप्शन ही दिया मैंने. अथर्व के नाम में. हाँ यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है. क्लोरीन नहीं है. याद रखना OCl2 के अंदर भी और OF2 के अंदर भी दोनों सेंट्रल एटम ऑक्सीजन. गोइंग बैक जनरली रूल्स कहाँ चले गए? रूल्स हमारे. हाँ सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लिया आपने. तीन रूल लिख लिया आपने. यस सर. अब कुछ और नियम पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में. वो एलिमेंट कैसे बिहेव करते हैं है ना व्हाइल फॉर्मिंग दिस मॉलिक्यूल्स. स्टेप टू. रिमेंबर सम मोर रूल्स. फर्स्ट पॉइंट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन always form a single bond. वो हमेशा irrespective of which molecule you are forming वो single bond ही बनाएंगे. वो single bond ही बनाएंगे. And they can never be central. और वो कभी भी central atom से behave नहीं करेंगे. Why today we have less participants? Some special reason or?
just like that. Huh? सर न्यू स्टूडेंट्स भी आया फिर भी लेस पार्टिसिपेंट्स है। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों? मेरे लेक्चर से पहले कौन सा लेक्चर था? बिफोर माय लेक्चर फिजिक्स। सर कुछ लोग छोड़ के गए हैं, आए थे छोड़ के गए हैं। कितने थे फिजिक्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स? सर पहले 30 थे। नहीं नहीं क्लास में तो अपने 30-31 कुछ थे, अभी कम हो गए। पर कितने फिजिक्स में थे? फिजिक्स में सर 30 है। लास्ट वीक आई सॉ 38-39 लाइक दैट। 38-39 आपका हर हमेशा होता है। हाउ मेनी इन फिजिक्स सर? अप्रॉक्स 30। कितने थे? हैलोजन्स फ्लोरीन को छोड़ के, हैलोजन्स मतलब कौन से 17 ग्रुप एलिमेंट्स ना, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स। फ्लोरीन तो अमंग 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैलोजन्स बोलते हैं हम। फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन को छोड़ देते हैं तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो एक से अधिक बॉन्ड बना सकते हैं। दे कैन फॉर्म 1, 3, 5, 7 बॉन्ड्स, अप टू 7 बॉन्ड्स बना सकते हो व्हेन दे एक्ट एज सेंट्रल एटम। दे कैन बी योर सेंट्रल एटम्स। एंड व्हेन दे एक्ट एज सराउंडिंग एटम्स, when they act as surrounding atoms, they will form only one bond. अगर वो surrounding atom इधर behave करेंगे तो फिर हमेशा एक ही bond बनाएंगे। As central atom they can form more than one bonds, ठीक है? ये नियमों को याद रखना है। तो ये नियमों के आधार पे हम बनाते हैं logic का। Note किया आपने? यस सर। यस सर। तीसरा ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म्स टू बॉन्ड्स, वो सेंट्रल एटम हो या सराउंडिंग एटम, इन ऑल कंडीशंस वो दो बॉन्ड ही बनाएगा, दो से ऊपर नहीं दो से कम भी नहीं, क्योंकि उसको ऑक्टेट के लिए दो ही चाहिए ना। Done everyone? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब देखो इन पॉइंट्स के आधार पे हम स्ट्रक्चर में समझाता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हमने सेंट्रल एटम पहचान लिया कुछ देर पहले। सेंट्रल एटम क्या बोला हमने? सल्फर बोला। सल्फर, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल एटम पहचानो, पहचान लिया। अब ये एटम के चारों तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट करिए। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिक्स होंगे, क्योंकि वो 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पुट कर दिए 1, 2, 3। You will not worry about at this moment. You will not worry about the exact shape. उसके exact shape के बारे में worry नहीं करेंगे. बस bonds कैसे बनाना structure वही देखेंगे बस. Shape के बारे में next topic है हमारा, shape geometry. Exactly कैसा होगा, orientation क्या होगा, that is next topic. Now you will only worry about how to just form the bonds.
स्ट्रक्चर गैस छह इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है बना दिए। अब हमारे पास यहाँ पे और सराउंडिंग के लिए कौन कौन है, चार ऑप्शन है, एक दो तीन चार है और दो हाइड्रोजन। अभी हम कि सल्फर के छह इलेक्ट्रॉन है, मतलब सल्फर मैक्सिमम छह बॉन्ड बनाएगा, ये दिमाग के अंदर बात है, एक कंडीशन कंस्ट्रेंट है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का दो बॉन्ड 100% गारंटी होना चाहिए और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड होना चाहिए, ये सभी को ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन दो बॉन्ड दे दिया, एक ऑक्सीजन हो गया दो बॉन्ड, ठीक ऑक्सीजन कुछ, और एक ऑक्सीजन है दो बॉन्ड दे दिया ऑक्सीजन कुछ, अब और एक ऑप्शन है दो बॉन्ड दे दिया ऑक्सीजन कुछ, और एक ऑप्शन है कहाँ बनाऊंगा जगह है क्या ना सर, ऐसे मत करो, हम बोले ऐसे मत करो ऐसे, तो फिर और एक ऑप्शन दो हाइड्रोजन बच जाते हैं। मैंने बोले काम करो, ये ऑप्शन को एक ही बॉन्ड दे दो और एक ऑप्शन को एक ही बॉन्ड दे दो, दो हाइड्रोजन है ना, अच्छा तो हाइड्रोजन का एक बॉन्ड हो गया कुछ, ऑक्सीजन के हर जगह दो दो बॉन्ड हो गए, दो बॉन्ड चाहिए डबल बॉन्ड नहीं ना, डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर दो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, अगर दो बॉन्ड चाहिए था उस तो ऑक्सीजन भी कुछ नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ हाइड्रोजन कुछ और सल्फर के भी कोई दिक्कत नहीं, चेंगे चेंगे हो गए, इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। So you have H3. कोई सेंट्रल एटम हियर? फास्फोरस। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? इट बिलोंग्स टू 15th ग्रुप, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। नाउ वी हैव हियर 1 2 3 4 ऑप्शंस एंड 3 हाइड्रोजन्स, व्हाट टू डू? अगर एक ऑप्शन को मैंने डबल बॉन्ड ओ, 3 हाइड्रोजन है, हाँ सर तीनों को सिंगल कनेक्ट है ना? यस सर, ऐसे करते हो गए प्रॉब्लम सॉल्व। यस सर, H3PO2 फॉस्फोरस सेंट्रल एटम, 5 एटम आउटर मोस्ट शेल, दो ही ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ओ हो गया, एक ओ हो गया ओ एच, क्या बच गया अभी, दो ऑप्शन हो गए एक हाइड्रोजन, दो एच बच गया। यस सर, यस ओके, यस सर, यस सर। कार्बन 14th ग्रुप एलिमेंट, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. We have 3 oxygens and 2 hydrogens. एक के साथ डबल वन, हाँ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। बराबर? Yes, sir. हाँ, sir. समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, sir. Logic. Boron belongs to 13th group. 13th मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में। यस सर, एक पर मुझे एक बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन। यस सर, इसका इजी था। बोरॉन 3। यस सर, ओएच ओएच ओएच। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आई होप यू आर गेटिंग। यस सर, यस सर।
तो ये लॉजिक है स्ट्रक्चर्स बनाने की, ठीक है ना। तो एक ओवरऑल आइडिया आप रखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप लॉजिकली करो सही हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी लॉजिक फेल भी हो जाता है, बिकॉज जो स्ट्रक्चर होता है एक मॉलिक्यूल का वो इंसान के लॉजिक से नहीं बनता है। बताओ इंसान ने लॉजिक बनाने के बाद उनका स्ट्रक्चर बना कि उनका स्ट्रक्चर बनने का लॉजिक लगाया? सर स्ट्रक्चर बनने के बाद लॉजिक लगाया है ना, उनका स्ट्रक्चर पहले से था ना, उनका पहले से ही वही स्ट्रक्चर था, पर हमने स्टडी किया उस स्ट्रक्चर और फिर हमने लॉजिक लगाया कि शायद हमने अगर ये सब रूल्स अप्लाई किए तो स्ट्रक्चर बन सकता है ना। तो स्ट्रक्चर इज अ फैक्ट, उनका स्ट्रक्चर को हमने नहीं बनाया, पहले से ही है। उस फैक्ट्स को बस हम लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अवर लॉजिक इंटेलिजेंस। तो कभी कभी क्या होता है ना, लॉजिक फेल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज सुबह मैंने एक स्टूडेंट को पूछा जैसे कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ O3, तो उनको ने सिखाया था सब चीजें रॉ स्ट्रक्चर्स, लॉजिक क्या लगाया उसने, सर बोला कि ऐसे होता है O3 ऐसा हो सकता, बराबर की लॉजिकली बराबर है ना? नो सर, लॉजिकली बराबर है ना? सही है सर, लॉजिकली सही है सर, लेकिन अलग स्ट्रक्चर होता है, सारे के ऑप्शन तो बाउंड हो गए ना। तो लॉजिकली इट इज राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट देन ऐसा ओरिजिनली नहीं होता है। यस सर, ओरिजिनली ऐसा होता नहीं है, तो इसीलिए हर चीज को लॉजिक से करना पॉसिबल भी नहीं सर। ओरिजिनली के साथ नो लॉजिक, यू शुड नो लॉजिक, दैट्स ऑल, कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। एट सेम टाइम हाउ डू वी डू इन एग्जामिनेशन, आप बोलेंगे सर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, अरे फाइनल एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जो किताब में पढ़े होंगे, जो टेक्स्ट बुक के अंदर मॉलिक्यूल्स दिए हुए है ना। यस सर, उसके बाहर का एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, बिकॉज वो जानते हैं कि लॉजिक इज नॉट यूनिवर्सल, लॉजिक इज नॉट यूनिवर्सल। जब वो लॉजिक यूनिवर्सल हो तब फिर वो टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि उसमें अपेक्षा होती है कि लॉजिक को समझो, कंसेप्ट को समझो, और उस कंसेप्ट के आधार पे आप कुछ भी सॉल्व करते आपको आना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, व्हेन द कंसेप्ट्स आर फिक्स्ड देन दे गिव आउट ऑफ टेक्स्ट बुक, बिकॉज दे एक्सपेक्ट दैट यू शुड नो कंसेप्ट एंड द लॉजिक। बट जब लॉजिक यूनिवर्सल ना हो, वो कंसेप्ट यूनिवर्सल ना हो, तब वो टेक्स्ट बुक के अंदर से ही देंगे। उनको पता है भाई कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे ही क्यों बनाते आता नहीं है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, है ना, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर ड्रॉ स्ट्रक्चर। से फॉर एग्जांपल हमने SO2 कैसे मैंने बनाया आपके लिए, मैंने ऐसे बनाया ना SO2, यस सर, राइट, ये इसका ओरिजिनल है। पर अभी देखो कोई लॉजिकली सिर्फ थ्योरी पता है, लॉजिकली हम बात करें, समबडी मेक्स लाइक दिस अदर वे ऑफ ड्रॉइंग द सेम, सो इफ समबडी मेक्स व्हाट सॉन्ग इन इट, है ना, यस सर, यस सर, ऑक्सीजन का दो बॉन्ड हो रहे हैं, है ना, उल्टा ये तो अधिक सही लगता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि हर एक का ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्टेट एग्जैक्टली है ना, इसका भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट, पर यहाँ पे इसका ऑक्टेट इसका मोर देन ऑक्टेट है कि नहीं, yes, 10 हो गए ना सल्फर के यहाँ पे, यहाँ तो 8 ही है। तो नाउ इफ यू डोंट नो, अगर मैंने किताब में पढ़ा नहीं होता तो फिर लॉजिकली ऐसे बना सकता हूँ मैं, तो लॉजिक से तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी हर एक के हो सकते हैं, पर वो सारे पॉसिबिलिटी से मार्क्स मिलेंगे नहीं। इसीलिए जब तक आपने स्ट्रक्चर देखा ना हो, पढ़ा ना हो, लॉजिक लगे कोई फायदा भी नहीं है, तो आपको देखना ही पड़ेगा। मैंने आपके पास बनाया 3-4 स्ट्रक्चर, उसके बाद आप जब लॉजिक लगाओगे, आपने देखा 10 तो लॉजिक आपको ऐसा ही लगाएंगे आप, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। इसीलिए रिमेंबर करना भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखना पड़ता है लॉजिक बस जानने के लिए, ताकि वो याद रखना आसान हो जाए, याद रखना क्या हो जाए आसान। पहले वही स्ट्रक्चर जो बना रहा था आपको लगता है क्या है, कैसे बनाने स्ट्रक्चर कैसा है, अब मैंने लॉजिक बता दिया तो वो स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए क्या हो गया आसान हो गया, उसे याद करना आसान हो गया।
उसी की लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिए आप, मेरे कहने का मतलब समझ में आया? यस सर। लॉजिक इज नॉट एवरीथिंग, यू शुड नो ऑल्सो मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दिस इज द वे वी कैन ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। जस्ट वेट अ सेकंड, जस्ट चेक इट अप। किसी को शंका हो तो प्लीज मुझे आप पूछ सकते। नो सर, नो डाउट सर। सर हाँ जी बोलिए प्लीज। सर थर्सडे को आप क्लास लोगे? क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा। सर थर्सडे को क्लास लोगे क्या? मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। मंडे की जगह मतलब मंडे को नहीं ली थी ना? हाँ मैंने तो बोला है, पर अभी उस टाइम शायद किसी और क्लास रहता है ना। What do you do? You can talk to your sir. कौन सर है आपके? किन से बात करते हैं आप? सारे टीचर से बात करते हैं सर। सबसे आप बात करते हो, गुड आंसर। आप सबसे बात करते हो, पर कोई एक ऐसा होगा ना जो ये सब मैनेज करते होंगे। मोहित सर। मोहित सर जी ना हमारे। हाँ तो मोहित सर से बात करिए आप सभी कुछ लोग, तो he can fix some time. सर शायद NDA होता है शाम को, इसलिए सर नहीं रखते। हाँ वो रखते नहीं। हाँ सर थर्सडे को मैं मेरा टाइम बताता हूँ, ठीक है ना? विच ऑल टाइम आई कैन टेक क्लास, तो आप ना वो टाइम डिस्कस कर चलो सर के साथ कि जिस टाइम पे आपका और मेरा मैच हो जाए, है ना? तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी ना? यस सर। यस सर। So I will tell you all my slots on Thursday where I am available. Just a minute. See on Thursday. Thursday, available whom? 1:30 to 3 ये एक स्लॉट है। उसके बाद सर ये आप पॉसिबिलिटीज बता रहे हो क्या? इस टाइम में आप ले सकते हो? हाँ मेरे स्लॉट्स। अच्छा तब तब मैं ले सकता हूँ। एक स्लॉट, सेकंड स्लॉट इज प्लास्टिक, मेरा फाउंडेशन न्यू, आई कैन टेक फ्रॉम 5 to 7 only on Thursday this slot is available. Yeah, these two slots. Okay sir, Mohit sir se puchenge. So aap sir se baat kar lijiye, to sir mujhe inform kar denge aap, unhone mujhe koi bhi slot diya mujhe koi dikkat nahi. In this time whenever he tells me to take class again. Haan ji sir, wo last wala slot nahi ho payega kyunki 6 baje NDA ki class start ho jati hai. और सर पहला वाला भी नहीं हो पाएगा, तब हमारी मैथ्स क्लास है। 6 बजे स्टार्ट होता है एनडीए क्लास। यस सर। तो ओके आई विल एडजस्ट टू बी 4:30 to 6 ये हो सकता है सर। हाँ ये हो जाएगा। हाँ सर ये हो सकता है। हाँ ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाला स्लॉट तो नहीं हो पाएगा उस एक दिन के लिए। मैं पिछला वाला क्लास आधा घंटा पहले खत्म करूंगा, मतलब रिपोर्ट करता हूँ, तो 4:30 to 6 अगर हो सकता है तो आप देख लीजिए। यस सर। सब पूछेंगे सर से। ठीक है डन, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। सर आपका नंबर दो ना, एक मिनट। एक मिनट मैं भूल गया नंबर। सर व्हाट्सएप वाला है ना ये आपका? जी हाँ, कॉलिंग प्लस व्हाट्सएप दोनों इसी के लिए। कॉलिंग प्लस
चलेगा सर। पुट ए हेडिंग, ज्योमेट्री एंड शेप्स। ज्योमेट्री एंड शेप्स। बेसिकली ज्योमेट्री मतलब उसका ओरिएंटेशन, जब हम बना रहे हैं ना, जैसे रैंडमली बना दिया हमने, क्या अगर सल्फर को यहाँ पे OH लगा दिया, ऐसे यहाँ OH लगा दिया और बोल दिया भाई यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है, पर ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। अब जो यहाँ पे चार बॉन्ड जो आपको दिख रहे हैं, चार सिग्मा सल्फर के जो फोर ग्रुप्स है सल्फर को अटैच्ड, ये चारों ग्रुप जो है स्पेस में, इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, ये चार ग्रुप किस प्रकार से उनका ओरिएंटेशन होगा, इस प्रकार से ओरिएंटेशन होगा कि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम, बिकॉज लेस इज द रिपल्शन, लेसर इज द एनर्जी, लेसर इज एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। जो डिफरेंट ग्रुप्स जो सेंट्रल एटम को अटैच्ड है, वो ग्रुप स्पेस में उनको ओरिएंटेशन क्या होगा, उसे ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री इज बेसिकली ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। थ्री डायमेंशनल स्पेस में उस मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन क्या होगा, वही ज्योमेट्री। ये चार ग्रुप कहाँ कहाँ होंगे, किधर स्थित होंगे, है ना। देखिए आप ये टॉपिक को समझने के लिए आपको मुझे देखना बहुत आवश्यक है। तो जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप श्री सांदीपनी अकेडमी क्लिक करिए, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। जब मैं लिख रहा हूँ तब फिर आप वापस से बाल राजू पर क्लिक करिए। मुझे दोनों भी दिख रहे, आप महान। हाँ दोनों दिखते, एक बड़ी स्क्रीन पे एक छोटी स्क्रीन। हाँ सर, ठीक है भैया, तो पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, अठारह ही लोग पढ़ाओ ना सर, मत सर, टाइम भी हो गया सर, टाइम हो गया कितने, हाँ सर 8 मिनट बचे सर, मुझे लगता है 7 मिनट इज वर्थ इट, पढ़ाओ। नहीं 7 मिनट तो बहुत होते हैं पढ़ाने, ठीक है सर, पढ़ाइए। परंतु जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं, कल जब वो आएंगे बहुत दिक्कत आएगी उनको, पहले से बोल देना, तो लेक्चर देख के आने बोलना, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, स्पेस में उनका स्पेस 3D ना, थ्री डायमेंशनल स्पेस, ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप है उनका ओरिएंटेशन कहीं भी हो सकता है ना, यू कैन बी एनीवेयर। यस सर। जैसे मान लीजिए मेरा मुट्ठी जो है ना, मुट्ठी दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। इस मुट्ठी, ये क्या सेंट्रल एटम है, ये क्या है सेंट्रल एटम, एक ग्रुप ऐसा जो मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ये ब्लू रंग का शर्ट है ना? यस सर। ये एक ग्रुप है जो ऐसा इसको जुड़ा हुआ है, ऐसा नीचे की ओर है, हो सकता है कि और एक ग्रुप कैसा हो, ऐसा हो, आप क्यों दिखाता? हाँ सर स्ट्रेट नहीं है वो, तो यहाँ देखो आप, और एक ग्रुप अटैच कर दिया वो ऐसा, हाँ दिख रहा है सर। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट डायरेक्शन होते हैं, ये ओरिएंटेशन कैसा होगा, ये ओरिएंटेशन इस ग्रुप का किस प्रकार से होगा, उसे कौन बोलते हैं ज्योमेट्री, इसको क्या बोलते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री भी किसके ऊपर डिपेंड होगा, अगेन डिपेंड्स ऑन क्या देखना है यहाँ पे, ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए हम काउंट करना है जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के लिए किया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के आधार पर हम कर गए। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू आ गया 2, तो ज्योमेट्री होगा लीनियर,
ये नोट कर लो अभी, ठीक है ना, एटलीस्ट इतना, कल मैं दिखाता हूँ स्पेस में कैसा होता है, बाकी लोग देखेंगे, नुकसान हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर टू आया तो ज्योमेट्री जो है क्या होगा, लीनियर बोलेंगे, लीनियर ज्योमेट्री बोलेंगे, इसको याद रखना है, रिमेम्बर दिस। सिग्मा प्लस लोन पेयर थ्री आया इसको बोलेंगे हम ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार, ये याद रखना आसान हो जाए जब मैं आपको कल स्पेस में उनका ओरिएंटेशन बताऊंगा, इट इज मोर इजी टू रिमेम्बर। इफ इट इज फोर दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल, इफ इट इज फाइव दैट इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अगर ये सिक्स है तो बोलेंगे हम स्क्वायर बाईपिरामिडल, और ये सेवन है इट इज कॉल्ड एज पेंटागोनल बाईपिरामिडल, ठीक है, ठीक है। इसीलिए हमने हाइब्रिडाइजेशन किया था ना, वी यूज द सेम थिंग फॉर हाइब्रिडाइजेशन, यस सर, यूज सेम थिंग सिग्मा प्लस लोन पेयर, उसमें क्या बोला टू मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, एसपी, तो अदर वे अराउंड मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो एसपी हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है उससे ज्योमेट्री लीनियर होगा, जो एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड है वो ट्राइगोनल प्लेनार होगा, जो एसपी थ्री टेट्राहेड्रल होगा। हेलो सर, सर आवाज नहीं आ रही सर, हो क्या उधर सर, चलने का ही लगता है। 100 संदीपनी की, उससे संदीपनी 11th को अच्छे आ रहे हैं क्या? नो सर, ये वही लिविंग इसी में डाउट क्लास है आपका, चलेगा? अरे यार